नलाक थोड़ी मेहनत और कर लेते, साथ में प्लेट भी मिल जानी थी। अरे पापा वो कप नहीं, जीतने वाली कप। वाह ये कैसे मिला कप? अरे मैं ड्रामा में नागिन बना था। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अपने ही माँ के बच्चे हो। यार बेटा तू नेवला बंदा, तेरे बाप को और खुशी हुई। इधर कप तो देखने दे कैसा है, दिखा। बेटे कप नहीं दिखाना, इनको छीन के भाग जाते हैं। हम इसमें चाय पिया करेंगे। क्या पापा आप इस कप में टी पियेंगे? बड़े कपटी आदमी आप। आपको तुम्हें टैलेंट की जरा भी कदर नहीं है। पता है कितनी मारपीट हुई है इस कप को लेने में? मारपीट कैसे बेटे? अब कंपटीशन में हारने के बाद भी कप उठा कर लिया तो मारपीट तो होती है ना। बेटे फिर इसको सजा कर नहीं रखना, इसको छुपा कर रखना पड़ेगा। ए, क्या गलत बात बच्चों को सिखा रहा है इतना बेटा? बोली कप भैया। बेटा ये चोरी करना गलत बात है। सॉरी कप भैया, लेकिन मैं बहुत मेहनत से औरत बना था। तो कोई बात नहीं बेटा, टैलेंट कभी बेकार नहीं जाता। तुझे पता तेरा ये औरत बनने का टैलेंट एक ना एक दिन काम जरूर आएगा। कब आएगा? आज शाम को। देख मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा, एक वकील आने वाला है, उसके सामने तुझे एक्टिंग करनी, तो मेरी बीवी है ठीक है? लेकिन इतनी सी वाइफ कैसे हो सकती है? बेटा कानून क्या कानून, रिश्ते देख रहा है, उम्र नहीं देखेगा वो। तू खाली बन जाना ठीक है, अच्छी साड़ी पहन के आना ठीक है बेटा। खजूर, खजूर, टीचर आ रही है। आज उनकी तब कोई आंख उठा कर भी देखा तो। ये अब ये कौन है? मैं इनकी लुगाई हूँ। ये भी आपकी बीवी है? ये भी है थोड़ी सी। अब आप जरा तलवार मंगा ही लीजिए, मुझ में घुसेड़ दीजिए तलवार। कप्पू, कप्पू, जंक लगा हुआ छुरा तैयार है, ले आऊं क्या? अपने पेट में मार ले। तो इसको किसने बुलाया यहाँ? हमें, इन्होंने बुलाया, इसलिए यहाँ चली आई। बताइए कहाँ साइन करना है? साइन करेगा, स्कूल में अपना नाम तो लिख नहीं पाता, बड़ा आया साइन करने वाला। आप तो इन्हें ऐसे डांट रही है जैसे आपकी स्टूडेंट है। बिल्कुल ठीक है रे मोटा भैया, ये मेरे स्कूल में पढ़ता है, स्टूडेंट है मेरा। जैसा बाप वैसा बेटा। खबरदार अगर मेरे को बीच में लाए तो आप साइड में खड़े रहिए उधर। अच्छा अभी साइड में खड़े कर रहे हो, तब मेरे को 10,000 रुपए के बदले पत्नी बना रहे थे। सबसे पहले मुझे बोला था। मुझे भी, मेरे को भी। समझ गया सब कुछ समझ गया। मैं अपनी फिल्म में तो ये किया ही था, यहाँ पर भी 3-3 लड़कियों को धोखा दिया है। मेरे साथ भी। हाँ वही वही 3.25 लड़कियों को धोखा दिया है आपने। धोखा एक्चुअली आपको दे रहे हैं। मुझे दे रहे हैं मतलब? मतलब पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया। धोखा एक्चुअली आपको दे रहे हैं। मुझे दे रहे हैं मतलब? मतलब पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया। मतलब क्या वकील साहब, हर बात में मतलब बड़े मतलबी इंसान है आप। हर बात मतलब के लिए नहीं होती, कुछ चीजें इंसानियत के नाते भी होती हैं। अच्छा ये 3 लड़कियों से शादी आपने इंसानियत के नाते की है? आप सच सुनना चाहते हैं? हाँ सुना दीजिए। नानी पीछे हो, तब तक सोचने का टाइम मिलेगा, चल। देखिए ये जो लड़की है ना, ये मेरी माँ को पसंद थी तो मुझे इससे शादी करनी पड़ी, ये मेरे बाप को पसंद थी इसलिए शादी की, ये किसी को नहीं पसंद थी इससे वैसे ही कर ली, और ये मेरे बच्चों को पसंद थी इसलिए शादी की। अब आप जायदाद के पेपर मेरा नाम करो, निकलो यार, कितना और बनाते रहे लॉजिक, बड़ा मुश्किल होता है। और देखिए वैसे भी मेरे दादा ने क्या लिखा था, कि लड़के की शादी हुई होनी चाहिए, ये तो लिखा था कि 4 हुई है या 5 हुई है, दादा को क्या लेना देना, उसकी तो खुद 6 हुई थी। और ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट, ये चेक करना पड़ेगा क्या लिखा था दादा ने, क्या लिखा था? रुके, अरे भाई साहब वो चिट्ठी मुझे दे दीजिए, गलती से दे गया था। क्यों? वो कप्पू शर्मा नहीं पप्पू शर्मा की है, मैं आपको गलती से दे गया था। साले तेरे चक्कर में 4 शादियां कर ली मैंने। गलती तेरे बाप से हुई, चिट्ठियां दे, चल चल पकड़ उसको। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.